बड़ी खबर यह कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी है अपने बयान को लेकर। राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया था और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि पंचायत तक बैठाई गई। बरसाना के मंदिर पहुंचे प्रदीप मिश्रा, तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरह दंडात्मक तरीके से माफी मांगी गई है, नाक रगड़कर माफी मांगी गई है। कुछ दिनों पहले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचन के दौरान कही एक बात विवाद की वजह बनी और पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये कहा कि राधा जी बरसाना नहीं रावल गांव की रहने वाली थी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की इसी बात पर प्रेमानंद महाराज जी भड़क गए। प्रेमानंद महाराज जी ने प्रदीप मिश्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो राधा रानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। विवाद जब बढ़ा तो उनसे माफी मांगने को कहा गया, पंचायत बैठाई गई और आज आखिरकार कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाने में आकर नाक रगड़ कर माफी मांगी है। और अब आपको दिखाते हैं राधा रानी के मंदिर में माफी मांगने के बाद प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा। हमारी माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ और राधा रानी जी के आज सुंदर दर्शन हुए और ब्रजवासियों के बीच में आना हुआ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ और ब्रजवासियों को भी मेरी वाणी से, मेरे शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उनके भी चरणों में दंडवत कर प्रणाम कर क्षमा चाहता हूँ। और सभी मीडिया वालों से निवेदन है, सभी सोशल मीडिया वालों से निवेदन है कि किसी के लिए भी कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहे, हर हर महादेव कहे और सभी चाहे मृदुलकंठ शास्त्री जी हो चाहे अन्य शास्त्री जी हो, किसी के लिए भी कोई अपशब्द का प्रयोग या किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं दिया जाए। तो प्रदीप मिश्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा मैं अपने शब्दों के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन इस तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए नाक रगड़ते हुए माफी मांगी जा रही है उनकी ओर से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदीप मिश्रा ने कुछ दिनों पहले एक ऐसा बयान दिया जो विवादों का कारण बना और अब अपने बयान पर, अपने शब्दों को लेकर माफी मांगी गई है। राधा रानी से क्षमा चाहता हूं, ये कहा गया है प्रदीप मिश्रा की ओर से। और अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं आखिर क्यों पंडित प्रदीप मिश्रा को बरसाना पहुंचने की जरूरत पड़ी और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से विवाद ने तूल पकड़ा। आपको बताते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्यों मांगी है माफी। राधा जी बरसाना नहीं रावल गांव की रहने वाली थी, ये बयान दिया था। राधा जी के पति का नाम अन्य घोष था। श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा जी का नाम नहीं है। राधा जी की सास का नाम जटिला, ननद का नाम कुटिला था। राधा जी बरसाना की रहने वाली नहीं थी। तो ये प्रदीप मिश्रा की तरफ से बात कही गई थी और इन्हीं शब्दों को लेकर, अपने शब्दों को लेकर माफी मांगी गई है। सार्वजनिक तौर पर जब बरसाना पहुंचे तो इस तरह दंडवत प्रणाम करते हुए नाक रगड़कर, जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगी गई है।